कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के करीब 24 घंटे के भीतर कांग्रेस ने पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे, यानी अगले कैप्टन। लेकिन खबर इसमें नहीं है कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए हैं, खबर इसमें है कि कैप्टन के जाने और चरणजीत सिंह चन्नी के आने के बीच जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, इसके झंडा बरदार, किरदार और सरदार ने कब कब सियासत की कौन कौन सी चाल चली, कौन कौन से दांव पेच खेले, इस सियासी खेल में कौन धड़ाम गिरा, किसके अरमानों ने परवाज भरी और किसकी हसरतें चकनाचूर हुई। ऐसी सूरत में पंजाब का पॉलिटिकल ड्रामा एक अग्निपथ है और यही आज की टेलीसीरीज का नाम है, अग्निपथ द पेरिल्स ऑफ पंजाब। इसके पहले एपिसोड में देखिए किस्सा कुर्सी का, पंजाब पॉलिटिकल ड्रामा। सितंबर 2021 शाम 5:30 बजे चंडीगढ़। जिनके सवाल है मेरे को क्यों पूछ रहे हैं आप? जिनके सवाल है उनका पूछिए। शब्दों में ऐसी ज्वाला बेवजह नहीं है, वजह गालिब बता गए हैं। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये सुखजिंदर सिंह रंधावा है। शाम 5:30 बजे से पहले ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे। इनके गुरदासपुर के गांव धारोवाली में मिठाइयां बट रही थी, रिश्तेदार भांगड़ा कर रहे थे। इधर गुरदासपुर से दूर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ सुखजिंदर रंधावा का काफिला चंडीगढ़ की सड़कों पर निकला तो इस उम्मीद को हवा मिल गई कि वही कैप्टन की विरासत संभालने जा रहे हैं। ए हाई कमांड डिसाइड करेगी। कांग्रेस पार्टी च कदी भी पहला यह जो डिसाइड नहीं होंदा, जदों इलेक्शन स्टार्ट होएगी उस टाइम ये चीज जड़ी डिसाइड करेगी। सुखजिंदर आला कमान के भरोसे रहे और इधर 30 मिनट के भीतर सत्ता के लड्डू का स्वाद बेस्वाद हो गया और सुखजिंदर की जगह मुख्यमंत्री पद के लिए नया नाम मैदान में आ गया, चरणजीत सिंह चन्नी। 10 मिनट के भीतर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लग गई। चंडीगढ़ की जिन सड़कों पर सुखजिंदर सिंह रंधावा का काफिला संभावित मुख्यमंत्री की पहचान के साथ दौड़ रहा था, उसके अगले एक घंटे के भीतर बाजी पलटी और चरणजीत सिंह चन्नी का काफिला राजभवन में विधायकों के समर्थन की चिट्ठी के साथ दाखिल हो गया। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे। सोमवार 11:00 बजे नई सरकार के मुखिया शपथ लेंगे। आज जैसी गवर्नर साहब नु अपना दावा पेश कीता है। गवर्नर साहब ने कल नु 11:00 बजे सौ चक्कण दा टाइम दिता है। कल नु 11:00 बजे ओथ टेकिंग सेरेमनी होएगी। सवाल है कि सूरज चढ़ने के साथ अंबिका सोनी का नाम चला तो कुछ देर में फुस हो गया, फिर रंधावा बनाम सुनील जाखड़ के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस हुई। इस रेस में सुनील जाखड़ पिछड़े और रंधावा ने लीड ले ली। मतलब ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री पद की म्यूजिकल चेयर पर भी और दावेदारों के नाम आएंगे, लेकिन पंजाब के पॉलिटिकल ड्रामे में ट्विस्ट आ गया। दुष्यंत कुमार ने भी कहा है, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो सुखजिंदर मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, रात चढ़ते वो आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। अटकलें लगने लगी कि उन्हें चन्नी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सवाल है आखिर इस सियासी प्रहसन का सूत्रधार कौन था। खबर आई कि अंबिका सोनी कैप्टन की जगह मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन अंबिका सोनी ने सेहत का हवाला देकर किनारा कर लिया। दोपहर विधायक दल की बैठक में अधिकतर विधायकों ने रंधावा के नाम का समर्थन किया। इस तरह सुनील जाखड़ का नाम मुख्यमंत्री की रेस से हट गया। विधायक दल की बैठक में एक विधायक ने किसी सिख को मुख्यमंत्री पद सौंपने का तर्क दिया, लेकिन आलाकमान ने सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम को हरी झंडी दे दी। सुखजिंदर सिंह रंधावा अमरिंदर सरकार में कैबिनेट मंत्री और 3 बार के विधायक थे। 2017 में उन्होंने डेरा बाबा नानक से चुनाव जीता था। उनका परिवार सियासी है, इलाके में वो जमीनी पकड़ रखते हैं। कैप्टन सरकार में उनके जिम्मे जेल और सहकारिता मंत्रालय था,
लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम इसलिए आया क्योंकि वो कैप्टन से नाराज थे। लेकिन जैसे ही विधायक दल की बैठक में उनके नाम को अधिक समर्थन मिला, नवजोत सिंह सिद्धू भड़क गए। बेशक सुखजिंदर उन नेताओं में थे जिन्होंने कैप्टन से बगावत की थी, बावजूद इसके नवजोत सिंह सिद्धू को उन पर भरोसा नहीं था। उन्होंने फौरन दिल्ली में सोनिया और राहुल दरबार में मैसेज भिजवाया कि उन्हें सुखजिंदर मंजूर नहीं। यहीं से खेल बदल गया। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी आया, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने एक व्यक्ति एक पद का हवाला देकर सिद्धू का पत्ता काट दिया। इसके बाद सिद्धू ने किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया। सिद्धू के इस दांव से न सिर्फ सुखजिंदर का पत्ता कट गया बल्कि 47 साल के चरणजीत सिंह चन्नी की लॉटरी लग गई। शनिवार को कैप्टन अमरिंदर द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद से कांग्रेस में लगातार मंथन चलता रहा कि किसको इस पद पर बिठाया जाए। बात हुई, अंबिका सोनी का नाम आया लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उसके बाद सुनील जाखड़ से लेकर सुखविंदर रंधावा का भी नाम आया और वो इतने उत्साहित हो गए कि राजभवन के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में ही जो है उनको कहा गया कि जब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं होता है आप ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि इसके पीछे वजह यही बताई जा रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू उनके नाम से खुश नहीं थे। यहाँ तक कि नवजोत सिंह सिद्धू के जो समर्थक हैं उन्होंने उनके नाम की पैरवी की और कहा कि सिख जाट जो है वही जो है मुख्यमंत्री पद पर काबिज होना चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में कांग्रेस के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में दलित आबादी करीब 32% है और इस तरह ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। पूरे ड्रामे को ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल का नाम दे सकते हैं, लेकिन सच यही है कि ये सियासत है जिसमें जो दिखता है वो होता नहीं। सवाल है अब कैप्टन क्या करेंगे, कैप्टन की नाराजगी की कीमत कांग्रेस के लिए क्या होगी, अमरिंदर सिंह को पटखनी देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी के हसीन सपनों का क्या होगा, या फिर चरणजीत सिंह चन्नी एक आपातकालीन व्यवस्था है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब कांग्रेस में नया गुल खिलेगा, इसलिए ठीक ही कहा है, इल्तिजाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।